Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 3, fractions. The size 3C, book page number 55 and question number 1. Ab question number 1 kya hai? Dekhe, fill in the blanks. फिल इन द ब्लैंक्स. तो नंबर ये देखें, 7 बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 बाई 2, कि 7 बाई 2 जो है वो 5 बाई 2 के साथ डिवाइड हो रहा है. तो हम 7 बाई 2 को 5 बाई 2 से डिवाइड करेंगे. हमने डिवीजन जो है ऑफ फ्रैक्शंस के कुछ रूल्स पढ़े थे. उन रूल्स में ये था कि सेकंड फ्रैक्शन का सबसे पहले हम रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 बाई 5 हो जाएगा और साइन डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा. फिर ये हो जाएगा 7 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 5. 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 7 बाई 5 बचेगा. 7 बाई 5 की जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी, आपके पास 1 इंटू 2 1 into 2 by 5, because 5 ones are 5, 5 plus 2, 7, 7 by 5. Next, B part hai, 3 by 5 divided by 1 by 7, yani 3 by 5 jo hai, wo 1 by 7 ke saath divide ho raha hai. Is tarah, jab hum 7 ka reciprocal lenge, to 7 ka reciprocal hoga 7 by 1, aur ye division ka sign multiplication mein change hoga. 3 by 5 multiply by 7, to 7 threes are 21, 21 divided by 5 hoga. 21 by 5 जो है वो लोएस्ट टर्म है. 21 और 5 दोनों के कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो इसकी मिक्स्ड फॉर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी, 4 इंटू 1 बाय 5. नेक्स्ट सी पार्ट है, 1 इंटू 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई इंटू 1 बाई 2. अब ये दोनों मिक्सड फ्रैक्शन हैं, और जब हम मिक्सड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 वन ज़ार 2, 2 प्लस 1 3, 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2. तो 3 बाई 2 को जब 3 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमने अभी पढ़ा है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को उसी फ्रैक्शन से डिवाइड करें तो आंसर 1 होता है. तो ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा. नेक्स्ट डी पार्ट है, 10 बाई 7 डिवाइडेड बाई 5. अब ये फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर से डिवाइड हो रही है, क्या करना है, हमने 5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 बाई 5 आएगा और डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, तो 10 बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 5 होगा. ठीक है, तो ये 5 वन ज़ार 5, 5 टू ज़ार 10 हो जाएगा, तो 2 बाई 7 आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 divided by 7. Next E part है, blank divided by 9 is equal to 1 by 3. कि 9 को हम किस number से divide करें तो answer जो है वो 1 by 3 के equal होगा. तो अगर हम 3 को divide करें 9 से तो फिर answer आपके पास 1 by 3 के equal होगा. 3 ones are 3 होगा और 3 is 9. Sorry, ये 3, ये भी 3 सही लिखने नहीं हुआ. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. बताएंगे ये स्टेटमेंट्स जो कि मैंने वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. तो देखिए नंबर ए क्या है, ए है व्हेन डिवाइडिंग टू फ्रैक्शन द सेकंड फ्रैक्शन इज इन्वर्टेड. जब हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्ट मीन चेंज होती है. यस इट्स ट्रू, वाकई वो चेंज होती है. फिर हम डिवाइड करते हैं, 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 इज सेम एज 5 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2. कि 1 बाई 2 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो उसका आंसर सेम आएगा 5 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2. नो इट्स फॉल्स.
नेक्स्ट सी पार्ट है, 1 × 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो 3 × 3 = 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 × 2 = 6, 6/2 होगा, ट्रू, इट्स ट्रू। नेक्स्ट डी पार्ट है, 5/8 / 1 = 8/5, नो इज इक्वल टू 5/8, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट ई पार्ट, 3/7 / 5 = 3/35, तो हम 5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/5 होगा, और मल्टीप्लिकेशन का साइन, सॉरी डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, 3 × 1 = 3, 7 × 5 = 35, इट्स ट्रू। नेक्स्ट नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, आपने उसमें से सेलेक्ट आंसर को, करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना होगा। नंबर ए पार्ट है, 1 × 3/5 / 3 × 4/5 = 2। तो सबसे पहले हम इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इस सेकंड फ्रैक्शन का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे और साइन चेंज होगा, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 8/19, 1/2, 3/4, 16/23 में से 8/19 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है, 11 / 4 × 2/5 = 2। 11 को अगर हम डिवाइड करें 4 × 2/5 से तो किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले अगर हम इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करें तो 5 × 4 = 20, 20 + 2 = 22/5 होगा। फिर जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 5 / 22 और इसको मल्टीप्लाई होगा 11 × 5/22, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22। तो ये क्या आंसर होगा, 21/2। तो वो किसके इक्वल होगा, 5/2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 4 × 3/7 / 8 × 6/7 = 2। तो इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के बाद सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, साइन चेंज होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 2 × 1/7। यहाँ पे ये जो 2 × 2/7 लिखा है तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 आता है, बाई मिस्टेक यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा 2 × 1/7। नेक्स्ट डी पार्ट है, 15 / 25 / 35 = 15 है, ठीक है, 15, 30, 25 और 35 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या होगा, 35/25, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 21, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ई पार्ट है, 1/3 / 1/9 इज द सेम एज। तो हम इनका इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 9 हो जाएगा, 1/3 / 9, तो 9/3 = 3, 3 इज वन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/3, तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा, एक तो करेक्ट आंसर इज 3।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपने बुक पे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल थिंकिंग वेरी केयरफुली। किस टेबल को कंप्लीट करना है? गौर से सोचते हुए। देखिए सबसे पहले डिवीजन सम्स गिवन है, ये एग्जांपल है। डिवीजन सम क्या है? 2 / 1/3। सेकेंड कॉलम में है इनवर्ड्स, के वर्ड्स में हम इसको क्या पढ़ते हैं कि हाउ मैनी थर्ड्स मेक टू होल्स, कि कितने जो है वो थर्ड, 1/3 जो है वो दो कंप्लीट बनाते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा? 6। इसी तरह ये पार्ट है 3 / 1/7, मीन इन वर्ड्स में हम लिखेंगे कि हाउ मैनी सेवन्स मेक 3 होल्स। ठीक है, हाउ मैनी सेवन्स मेक 3 होल्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 21। तो जो आंसर होगा आपके पास वो होगा 21 जब आप उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है 9 / 1/10। वर्ड्स में हम कहेंगे कि हाउ मैनी टेंथ्स मेक 9 होल्स, कि कितने 1/10 जो है वो 9 कंप्लीट बनाते हैं। तो कितने होंगे? 90। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा 90 and 0 90। 12 / 1/11 मीन्स हाउ मैनी 11ths make 12 holes। How many 11ths make 12 holes? 132 11 जो है वो make 12 holes। Next है 14 / 1/12 means that how many 12ths make 14 holes? How many 12ths make 14 holes? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 168 168 जो है 1/12 जो है वो 68 होल्स बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डिवीजन सम्स टू मैच दीज डायग्राम्स, के जो डायग्राम्स हैं इनसे मैच करते हुए हमने डिवीजन सम्स बताने हैं। तो नंबर ए है, अब देखिए इसमें 1/3, 1/3, 1/3 and 1/3 मीन्स 4 times 1/3 है। तो अगर हम 1/3 को 4 times प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो होगा 4/3। तो इसका जो डिवीजन क्या सम होगा वो क्या बनेगा? 4 / 3। नेक्स्ट बी पार्ट है 1/2 है, 1/2 5 times है। ठीक है, 1/2 कितने टाइम्स है? 5 times है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 5 / 2। नेक्स्ट सी पार्ट है 1, 2, 3, 4 and 5, ये 1/5 है। तो 1/5 + 1/5 + 1/5 यानी 3 times जो है वो 1/5 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा? 3/5। किसके इक्वल होगा? 3 / 5। नेक्स्ट बी पार्ट है 1, 2, 3, 4, 1/4। ठीक है, यानी क्वार्टर 1/4 + 1/4 + 1/4 को जब हम 3 times प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 3/4। तो
ये वाला जो क्वेश्चन है, ये टेबल भी आपने अभी नोटबुक पे बनाना है। ये टेबल जो 5 है ये आपने अपनी नोटबुक पे बना के कंप्लीट कर लें, तब भी बुक पे करें तब भी आप पे डिपेंड करता है, एज यू विश। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने बुक पे करना है। तो आज वाले लेक्चर में साइज 3 सी के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 और 6 सॉल्व किए हैं। तो 4 और 7 क्वेश्चन जो है साइज 3 के, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।